हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये जो पत्ती है आप देख सकते हो, इसमें ये जो कट लगा हुआ है ये जो लगा हुआ है इसमें गड्ढा। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो सुई है जो धागा लेके जाएगी नीचे, तो वो धागा इसमें फंसेगा, तो मशीन धागा भी काटेगी और नीचे को जो सिलाई करते तो नीचे लच्छा भी बनाएगी इस पत्ती की वजह से, आप देख सकते हो। तो आपको क्या है कि वीडियो को पूरी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे क्या है आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे और भी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब क्या है कि इसको चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो ख़राब है, तो मैं इस पत्ती को पहले चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा मैं हमें किस तरीके से रखनी चाहिए इसमें, इसके लिए बहुत बहुत बारीक पीस होते हैं। ये पत्ती मैंने निकाल दी, अब इसमें ये नई पत्ती लगा रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। बहुत बार होता है कि मशीन धागा काट रही है एकदम बहुत बुरी तरीके से, लच्छा भी बनाती है नीचे, तो उसमें इस पत्ती का सबसे ज़्यादा काम होता है कि हमारी पत्ती सही होनी चाहिए। अब क्या है कि ये पत्ती तो लग गई मैंने इसमें लगा दी, और अब हमें ये भी तो देखना है कि हमारी सुई से टकरा तो नहीं रही है, तो वो हमें कैसे देखना है, तो वो आप देखना वीडियो में आगे तक कैसे करना है। तो मैं इसकी नाल को लगाता हूँ सबसे पहले, और इसकी ये नाल लगाई मैंने इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो हमारी सुई है और ये जो पत्ती है जो नाल के ऊपर पत्ती होती है, इससे ये सुई क्या हमारी दूर रहनी चाहिए। आप देख सकते हो इस वाले भी एंगल से आप कि ये दूर है कि नहीं। अब क्या कि ये इस पीछे वाली साइड में इससे लगी हुई है पीछे की में, अब क्या कि हमें कैसे सरकानी है, तो इसके ये पेच होते हैं छोटे छोटे, इनको ढीला करो। तो ये पत्ती मैंने सरकाई इसमें, इसके जो नहने नहने पेच हैं इनको टाइट कर दो। अब क्या है कि हमारी जो सुई है इस पत्ती के ना तो इधर को जाएगी टकराएगी, ना इधर को टकराएगी, ना इधर को, तो क्या है कि हमारी ये पत्ती सेफ हो गई। अब मशीन की सिलाई भी अच्छी आएगी इस तरीके से, आप देख सकते हो कि सुई भी एकदम इससे अलग हटके आ रही है, देखो आ रही है ना। तो आपको इसी तरीके से अपनी मशीन की में अगर ये पत्ती की प्रॉब्लम है जैसे मैंने बताया है, आपको ऐसी ही सही करना है।